चलो देखो फिर। देखो फ्री रिपेयर में हमने क्या पढ़ाया था तुम लोग को, फ्री हायर परचेज में कॉन्स्टेंट नंबर 4 बात करता है, फ्री रिपेयर बाय हायर वेंडर, ठीक है ना। देखो अगर हम लोग कोई भी सामान, कोई भी गुड्स, कोई भी एसेट्स अगर परचेज करते हैं हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड से, तो आपको एक बात ध्यान रखना है, जो भी गुड्स या जो भी एसेट आप परचेज करते हो उसमें ओनरशिप किसकी होती है, उसमें ओनरशिप सेलर की तब तक होती है जब तक कि बायर लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ना कर दे, होता कि नहीं होता है। अब ध्यान दो ये, अगर ओनरशिप वेंडर के पास है, सेलर के पास है, तो ओनर कौन हुआ उसका, वही तो हुआ। लेकिन अगर देखो ध्यान से, पोजेशन यूज करने का ट्रांसफर किसके पास है, बायर के पास। तो बायर अगर यूज करेगा तो एक्सीडेंट होगा, कुछ टूट फूट होगी, जिस तरह की एसेट होगी ये डिपेंड करेगा उस किस तरह की एसेट्स है। अब आप ध्यान दोगे इन सब चीजों से बचने के लिए क्या डिमांड करेगा हायर परचेजर, कि हमारी एसेट्स जो है उसको क्या करें आप, रिपेयर करें, है ना। तो देखोगे उसी के लिए कॉन्सेप्ट बने तुम्हारा कॉन्सेप्ट नंबर 4, फ्री रिपेयर बाय हायर वेंडर। तो ध्यान दोगे आप यहां पर, इन दी हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम में हायर वेंडर क्या करता है, एश्योरेंस देता है। एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि वो क्या करेगा, फ्री रिपेयर करेगा किसकी, गुड्स की या एसेट्स की, ठीक है। कब तक करेगा, फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड टू इंक्रीज द सेल, जिसके वजह से क्या होगा, सेल बढ़ेगी आपकी। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ध्यान दोगे, इन दिस केस हायर परचेजर एज्यूम्स दैट दिस सर्विस इज फ्री। हायर परचेजर क्या समझता है कि ये सर्विस जो प्रोवाइड कराई जा रही है सेलर के द्वारा, उसको ये सर्विस कैसी है, टोटली फ्री है। पर ध्यान रखो उसका कोई ना कोई कॉस्ट तो हायर सेलर अपने गुड्स के प्राइस में इंक्लूड किया होगा ना। तो ध्यान रखो, देखो जैसे हम लोग मोबाइल परचेस करते हैं, मोबाइल परचेस करते हो तो 1 साल तक अगर कुछ उसमें दिक्कत हो जाती, सॉफ्टवेयर, अब बस उसकी LC फूटे और टूटे ना हो, उसके अलावा सारी गारंटी होती कि नहीं होती है। बट आज के डेट में क्या है, गवर्नमेंट ने, कंपनियों ने क्या कर दिया, तुमको इंश्योरेंस की पॉलिसी ला दी, आप कुछ अमाउंट पे कर दो, क्या कर देते हैं वो लोग, इंश्योरेंस कर देते हैं, अगर उसके वजह से कोई डैमेज होगा वो भी आपको प्रोवाइड करता है, होता कि नहीं। तो ध्यान दोगे आप, एक्चुअल में जो हायर वेंडर होते हैं वो सोचता है कि ये सर्विसेज हमको फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है, बट एक्चुअली हायर वेंडर या बिजनेसमैन जो भी होता है आपको फ्री में कुछ भी नहीं देता है। हम मोबाइल परचेज करते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज के जो भी कॉस्ट होते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं। तो उसी तरह हायर वेंडर जो भी गुड्स सेल करता है किसको, हायर परचेजर को, किस बेस पर, हायर परचेज सिस्टम के बेस पर, उसमें सर्विस के या रिपेयर के कुछ अमाउंट इंक्लूड होते हैं। तो आप ध्यान दोगे, इन प्रैक्टिस हायर वेंडर एड्स द एस्टिमेटेड कॉस्ट, क्या करता है वो एस्टिमेट कर लेता है, अगर 2 साल का है इतना खर्चा आएगा, 3 साल का इतना खर्चा आएगा, 4 साल का इतना आएगा, जो भी होगा वो एस्टिमेट कर लेता है और एक पर्टिकुलर अमाउंट उठा के एसेट के वैल्यू में इंक्लूड कर लेता है, ठीक है। इन दिस केस द टोटल अमाउंट ऑफ सेल इज क्रेडिटेड टू हायर सेल अकाउंट। इस तरह के केस में क्या होता है, जो टोटल अमाउंट रिपेयर का होता है वो गुड्स की वैल्यू में इंक्लूड कर देते हो, और जब आप परचेज करते हो एंट्री क्या पास होती है, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल, उस सेल वैल्यू में वो अमाउंट इंक्लूड होता है कि नहीं। एट द एंड ऑफ द ईयर एस्टिमेटेड एक्सपेंस रिलेटेड टू रिपेयर इज ट्रांसफर टू मेंटेन सस्पेंस अकाउंट। और उसके बाद क्या होता है, अब मान लो गुड्स आपकी 20,000 रुपए का है, 20,000 रुपए में 2,000 रुपए रिपेयर के इंक्लूड है, तो जब आप परचेस करोगे तो एंट्री क्या पास करोगे, ऑन सेल ऑफ गुड्स बाय हायर सेलर टू हायर परचेजर, क्या एंट्री पास होगी, हायर परचेजर अकाउंट डेबिटेड टू हायर सेल अकाउंट, कितने वैल्यू से, 20,000, 20,000। अब ध्यान दो, इस 20,000 में 2,000 रुपये किसका इंक्लूड है, रिपेयर का। उस 2,000 रुपये को क्या करोगे, यहां पर हायर सेल केट हुआ है ना, उठा के तुरंत डेबिट करो। किस अमाउंट से डेबिट करोगे, जो अमाउंट आपने एस्टिमेट करके रिपेयर के लिए इंक्लूड किया है उस एसेट के वैल्यू में। ये बात आपको क्लियर हो रही कि नहीं क्लियर हो रही, यही बात मैंने आपको पढ़ाई है। अब देखो 2,000 रुपये इसमें इंक्लूड है, तो 2,000 रुपये उठा के हम डेबिट कर देंगे टू मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट। बात समझ में आ रहा है आपके, टू मेंटेनेंस
सस्पेंस अकाउंट। यहां तक बातें क्लियर है आपको, आगे बढ़े हम। अब देखोगे, अब मान लो तुमने एस्टीमेट किया था कि खर्चा 2000 का होगा, जरूरी थोड़ी है खर्चा दो ही हो सकता है खर्चा 2500 हो जाए, या हो सकता है खर्चा कितना हो जाए 1500 जाए, है ना। जितना तुमने एस्टीमेट किया जरूरी नहीं है कि वही खर्चे हो, खर्चे ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर ज्यादा हो जाएंगे तुमको अपने पास से लेना पड़ेगा पैसा, अगर कम हो जाएगा तब तुमको प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखना पड़ेगा तुमको एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ। मान लो तुमने 2000 एस्टीमेट किया था, बताओ भाई तुमने एक्चुअल एक्सपेंस जितने हुए थे, हम मान लेते हैं एक्चुअल एक्सपेंस हो गया तुमने 2000 बोला था 2500, तो क्या करोगे, मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2500 लिखोगे कि नहीं लिखोगे। तो तुमने एस्टीमेट कितने का किया 2000 का, बट खर्चा कितने को गया 2500, 500 ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए। ये 500 रुपए कहां से आएंगे तुम्हारे, पीएल से आएगा, कहां से आएगा प्रॉफिट और लॉस से आएगा। इसके लिए क्या करोगे आप, पीएल अकाउंट डेबिटेड टू मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट के एंट्री पास करोगे किस अमाउंट से, जो अमाउंट आपके रिपेयर मेंटेनेंस में कम पड़ गया है, जो एस्टिमेटेड से ऊपर हो गया था। बात समझ में आ रहा है आपके, कोई दिक्कत नोट करो अगर नोट करना है तो, अदरवाइज नोट सबके पास है वहां से काम चलाओ। ठीक, ये नोट कर चुके हो बेटा तुम, नहीं नोट की हो गया, देखो सोच रहा है हे भगवान। बात क्लियर है ना, फिर ये आगे बढ़े हम। देखोगे फिर नोट नंबर एक पढ़ोगे आप, कह रहा इफ एक्चुअल एक्सपेंस ऑन रिपेयर इज लेस देन एस्टिमेटेड एक्सपेंस, जितना तुमने एस्टिमेट किया, तुमने एस्टिमेट किया था ना अभी 2000 खर्च हो गया मान लो 1500, अगर 2500 होगा उसकी एंट्री मैंने आपको बताई, क्या करोगे, जो पैसा 1000 कम पड़ा है पीएल टू मेंटेन सस्पेंस किया कि नहीं। यहां पर अगर आप ध्यान दो, जब पीएल टू मेंटेन सस्पेंस की, यहां सस्पेंस में कितना पैसा था 2000 ही था ना, और यहां पर जो 500 रुपए कम पड़ा है तुमने, बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अब लेस देन एस्टिमेटेड हो गया, एक्चुअल का जो खर्चा है रिपेयर का जितना तुमने एस्टिमेट किया था उससे कम हो गया, 1500 हुआ तुमने 2000 एस्टिमेट किया था। देन द सरप्लस ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंस आर नॉट ट्रांसफर टू पीएल, उस केस में आप जो 500 रुपए बच रहा है उसको पीएल में ट्रांसफर नहीं करोगे, ठीक है ना। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि तुमने रिपेयर की गारंटी हो सकता है 1 साल से ज्यादा दी हो, तो जब वो ईयर खत्म हो जाएगा जितने साल तक तुमने गारंटी वारंटी दी है, एश्योरेंस दिया हुआ है, उसके बाद आप उसको पीएल में ट्रांसफर करोगे, ठीक है ना। जब तक सर्विस टर्म सर्विस पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप वो अमाउंट जो एडिशनल होगा उसको आप पीएल में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। बात मेरी समझ में आ रही है आपके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्का पक्का आगे बढ़े चलो। बिकॉज इट इज पॉसिबल दैट इन द कमिंग ईयर एक्चुअल एक्सपेंस मे बी मोर देन द एस्टिमेटेड एक्सपेंस, आप उसको तुरंत पीएल में ट्रांसफर क्यों नहीं करते हो सकता है आने वाले समय में जो एस्टिमेशन तुमने किया हो उससे एक्सीड हो जाए खर्चे, तो खर्चे अगर एक्सीड हो जाएंगे तो आप पैसा यहीं से वहां पर ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। देन दिस डेफिसिट विल बी एडजस्टेड अगेन द सरप्लस ऑफ अर्लियर ईयर, ठीक है ना। इस केस में क्या होगा, जो डेफिसिट है उसको क्या करेंगे आप, सरप्लस से सेटअप कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। आ जाओ नोट नंबर टू में, फ्री रिपेयर सर्विस इज प्रोवाइडेड फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, जिस तुमको हायर वेंडर फ्री रिपेयर की सर्विस प्रोवाइड करा, क्या आजीवन प्रोवाइड करा है क्या, ध्यान रखोगे इस बात, कब तक के लिए प्रोवाइड करा रहा है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। वो सर्टेन टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, उससे ज्यादा नहीं होगा। ससुराल से गाड़ी मिली है तुमको दहेज में, घर वाले तुम्हारे ससुराल वाले कितने दिन का पेट्रोल दे सकते हैं, 1, 2, 3, 4 एक आध हफ्ते का दे सकते हैं, आजीवन देंगे क्या तुमको, देंगे परेशान मत। चलो आगे देखो, एट द एंड ऑफ द पीरियड द बैलेंस ऑफ मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट इज ट्रांसफर टू पीएल, अब जितना समय तुमने दिया था एग्रीमेंट में इतने समय तक मैं आपको फ्री रिपेयर प्रोवाइड कराऊंगा, वो टाइम पीरियड खत्म हो चुका,
तो क्या करोगे, जो अमाउंट सरप्लस के रूप में बचा हुआ है उसको आप ट्रांसफर कहाँ करोगे, पीएल अकाउंट में। बात समझ में आ रही है आपके, कोई दिक्कत की बात, आगे बढ़े हम। चलो फिर ये एग्जांपल लिखो सब लोग। हो जाएगा बता देंगे हम। हो गया बेटा, हो गया सबका, आगे बढ़े हम। देखो कैश प्राइस मशीन की कितने की है, हायर परचेस प्राइस कितने का है ना, कि डेट क्या है, 1/4/2017 को ये मशीन परचेज की जा रही है। इंस्टॉलमेंट कैसे पेड है, कितनी इंस्टॉलमेंट है, कितने की है, बात समझ में आ रही है आपके। देखोगे हायर सेलर प्रोवाइड फ्री रिपेयर फैसिलिटी, एक्चुअल एक्सपेंस फर्स्ट ईयर का कितना है बेटा, 100 रुपीज, सेकेंड ईयर का कितना है, 250 है ना। पास्ट एक्सपीरियंस शोज, पास्ट एक्सपीरियंस ने क्या शो किया कि एस्टिमेट करो कि खर्चा कितना होगा, 500। फर्स्ट ईयर में तुमने खर्चा कितना किया, बनाए हो प्रोविजन 100 का, बट खर्च कितना किए, 70 रुपए, मतलब 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना आपको। फिर सेकेंड ईयर में एस्टीमेट कितने का है, 250 का, बट खर्च कितना हुआ, एक्सीड कर गया ना जितना एस्टीमेट था, तो लॉस हो गया कि नहीं। अब तुमको इसी के लिए जनरल एंट्री पास करना है, तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे उसी तरह जो मेथड आपको पढ़ा दिया गया है। अगर ध्यान रखो हायर परचेस प्राइस तो आपको पता है यहां पर 4000 है, टीपी पता है आपको कितनी है, इंटरेस्ट कितने का है, 1000 रुपए का, ठीक है ना। इंटरेस्ट कितने का है, 1000 का है, कोई दिक्कत यहां तक। आप इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कैसे कर रहे हो, हाफ ईयरली कर रहे हो कि नहीं, यहां पर आप चेक करो इंटरेस्ट रेट गिवन है क्या,
नहीं है, हमने आपको पढ़ाया था, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवेन नहीं होता है क्या करते हो आप? हायर परचेस प्राइस के बेस पर आउटस्टैंडिंग अमाउंट कैलकुलेट करते हो, बताए थे कि नहीं बताए थे आपको? तो कोई डीपी तो है नहीं, डाउन पेमेंट है, तो पहली बार में आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है कि नहीं? फिर दूसरी बार में 1000 पेड कर दिया, 3000, फिर 1000 का पेमेंट हो गया कितना, फिर एक का पेमेंट हो गया, अब सारे जीरो कैंसिल कर दो आप, और ये रेशियो बन गया 4:3:2:1। टोटल कितना आ गया, 10 आ गया कि नहीं आ गया? नोट कर लो यहां तक, पहले आगे बढ़ा जाए, अब क्या करना है हम लोग को, इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना किसको, इंटरेस्ट को। तो फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा हमारा, 1000 × 4/10 कर दोगे कितना आ गया, 400। यही बात ये बताई गई है। सेकेंड ईयर में क्या करोगे आप, 1000 × 3/10 कितना आ गया ये, 300। बात क्लियर है आपको? फिर थर्ड ईयर में 1000 × 2/10 कर दोगे कितना आ जाएगा ये, 200। और फोर्थ ईयर में क्या हो जाएगा, 1000 × 1/10 कर दोगे आप कितना आ जाएगा ये, 100 रुपीज। क्लियर है यहां तक? नोट डाउन हो गया? एंट्री पास करो सब लोग फटाफट। देखो कितने की एसेट्स है हमारी, उसमें देखो पास्ट के एक्सपीरियंस से तुमने पता किया है कि रिपेयर का खर्चा कितना आ रहा है, 500 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बताओ, अगर 3000 की एसेट्स है आपने परचेस की, उसमें रिपेयर का खर्चा कितना आ गया, इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू कितने की हो गई? बात क्लियर है आपको? पहली एंट्री क्लियर है तो लिखो आप लोग, जनरेटिंग इन दी बुक्स ऑफ हायर वेंडर, नोट करो। फिर ध्यान दो, पहले एक बार समझ लो फिर नोट करो। दूसरी एंट्री क्या होगी, फिर जितना अमाउंट इसमें इंक्लूड है रिपेयर का, उससे हायर सेल डेबिट हो जाएगा, और ये पैसा कहां ट्रांसफर होगा, मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट में। बात क्लियर है आपको? डाउन पेमेंट हमने कुछ दिया यहां पर, कुछ नहीं दिया। सेकेंड मेथड अडॉप्ट करके हम लोग चल रहे हैं, तो हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट हो गया कि नहीं, इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई, पेमेंट हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज, कोई दिक्कत की बात? तो ये हो गया आपका पहले 6 महीने का वर्क। पहले आप इतना नोट करो, डाउन पेमेंट होती तो एंट्री क्या पास करते तुम बताओ? हाँ, और कौन बताएगा वहां पर क्या एंट्री पास करते तुम लोग, एसेट अकाउंट डेबिट या पहले मेथड में? दूसरे मेथड में क्या था, हायर बेंडर टू कैश था, और यहां पर क्या होगा, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। ठीक है, पहली एंट्री परचेज की हो गई है, दूसरी रिपेयर के खर्चे की हो गई है, और तीसरी इंस्टॉलमेंट के ड्यू की हो गई है, और चौथी पेमेंट की। हायर वेंडर क्या डेप्रिसिएशन लगता नहीं, नोट करो यहां।
हो जाएगा बता देना। अच्छा हो गया बच्चा पार्टी। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट चेक करोगे जब ड्यू होगी। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने ड्यू हो रही है? इंटरेस्ट का अमाउंट 300 रुपए था ना सेकेंड में, क्या एंट्री पास हुआ? हायर परचेजर अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट। पेमेंट करोगे एंट्री क्या पास होगा? बैंक टू हायर परचेजर, ठीक है। अब ध्यान दो, पहले साल में तुमने एस्टीमेट कितने का किया था यहां पर और खर्चा कितने का है? 70 रुपए। इसको पीएल में ट्रांसफर तो करोगे नहीं क्योंकि अभी सेकेंड ईयर में भी तुमने, तो मेंटेन सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो गया कि नहीं? फर्स्ट ईयर की एंट्री होगी ना रिपेयर के लिए, कोई दिक्कत आपको यहां तक? अब 30 रुपए जो तुम्हारे प्रॉफिट के बच गए वो कहां ट्रांसफर हो गए? पीएल टू मेंटेनेंस, ठीक है ना। अब देखो पहले 6 महीने का इंटरेस्ट ये है, अगले 6 महीने का ये था, पूरा 1 साल के बाद आप ट्रांसफर करते हो ना पीएल में, तो टोटल 1 साल में इंटरेस्ट कितना ट्रांसफर हुआ पीएल में? 700 रुपए। पहले का देखो 400 था और अभी वाले कितना है? टोटल कितना ट्रांसफर हो गया? सेल कितने का किया तुमने? हायर सेल अकाउंट ट्रेडिंग, हायर सेल अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा? 3000 ट्रांसफर हो रहा था, 500 रिपेयर का है तो कितना ट्रांसफर होगा? 2500। ये बातें क्लियर है आपको? आप चाहो यहां तक एंट्री पास करो फटाफट। हो गया बेटा,
हो गया। अब नेक्स्ट ईयर में जब आओगे क्या एंट्री पास करोगे आप लोग? सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा है ना, मतलब इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई आपकी, फिर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो गया, फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट का ड्यू हो गई और पेमेंट हो गया है ना। इस साल देखो तुमने एस्टिमेट कितने का बनाया था? 250 का, बट खर्चा कितना हुआ है? 430 रुपये। तुमने एस्टिमेट 250 का बनाया, 430 खर्च हुआ, कितना ज्यादा खर्च हो गया है, कहां से लेके आओगे इसको? तो मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ईयर, यहां तक कोई दिक्कत? अब लास्ट में क्या कर दोगे? इंटरेस्ट का अमाउंट ट्रांसफर कर दोगे कहां पर? ईयर में, ठीक है, नोट कर लीजिए यहां तक। अब तुम लोग फ्री रिपेयर वाला क्वेश्चन लगा सकते हो। नोट करके बताओ फटाफट सब लोगों को। चलिए आप कल या परसों में आइए मेरे यहाँ। ठीक है सर, अभी क्लास ले लेता हूँ, फिर मैं आता हूँ, मिलता हूँ आज आपसे।
चलो भाई हो गया, आ जाओ अपने क्वेश्चन पर वापस। ओपन करो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हम लोग का, 19 है ना, आ जाओ 19 पर सब लोग फटाफट। चलो इसको यहीं हटा दो।